गुड इवनिंग। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारी सेकंड क्लास है टाइट्रेशन की, और अब इसमें टाइट्रेशन के अब थोड़ा थोड़ा डीप एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन को समझते क्या होती है। टाइट्रेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का मेथड है, जिसमें हम किसी नॉन कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अननोन कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, अननोन कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो दो चीजें होती है आपके पास, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंसेंट्रेशन नोन है, कंसेंट्रेशन कहूं या स्ट्रेंथ कहूं दोनों आपकी एक ही चीज है, और दूसरा आपका ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन है, स्ट्रेंथ अननोन है आपके पास। जिसकी कंसेंट्रेशन नोन होती है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन होती है उसको हम सैंपल कहते हैं। ये सैंपल वो है जिसकी कंसेंट्रेशन को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड को कंसेंट्रेशन जिसकी नोन है उसके और अदर नेम है, जैसे टाइट्रेंट कहते हैं उसे या टाइट्रेटर भी बोल देते हैं, और सैंपल जिसकी कंसेंट्रेशन को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे टाइट्रेंट, टाइट्रेट या एनालाइट भी बोला जाता है। ये इसके अल्टरनेटिव नेम है जो हम यूज करते हैं। जिसकी कंसेंट्रेशन नोन है वो यूजुअली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूजुअली ब्यूरेट के अंदर एड किया जाता है और ब्यूरेट से आपका फ्लास्क में आता है, और जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन है जो आपका एनालाइट है उसको आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड करते हो। ये यूजुअली बेसिस पर किया जाता है, डेफिनेशन ये कहते हैं, बट हम प्रैक्टिकल बेसिस पर कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एसिड और इसको बेस कहूं तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, उस पॉइंट को जब दोनों एग्जैक्ट कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। थ्रियोटिकल पॉइंट दूसरा नाम, इसका तीसरा नाम इसका स्टोइकोमेट्रिक एंड पॉइंट। अब रिएक्शन जब चल रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर किसी भी विजुअल चेंजेस को शो कर सकता है या फिजिकल चेंजेस को शो कर सकता है। विजुअल चेंजेस में आपका कलर आता है, कलर चेंज आ जाए इनिशियल टू फाइनल, अगर आपका कोई कलर चेंज मिल रहा है इट मीन्स आपका एंड पॉइंट जो है वो आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है इंडिकेटर मे बी रिक्वायर्ड इसलिए यूज करा है कि एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का एक तो तरीका मेरे पास इंडिकेटर है, और दूसरा मैं किसी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को अप्रोच कर सकता हूँ। इसमें आपका एग्जांपल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का आता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का आता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वहां पर इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड यूज होता है, वहां पर इंडिकेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिकेटर जो आपके यूज हो रहे हैं वो इसके बाकी जगह पे यूज हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और क्लासिफिकेशन अगर दूं तो वहां पर टाइट्रेशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा हमारा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम के साथ डील किया जाएगा और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ग्राम्स के साथ मतलब की वेट के साथ डील किया जाएगा। इस दोनों को हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर ज्यादा है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था आपका टाइट्रेशन का बेसिक। अब जब हमें पता है कि टाइट्रेशन शुरू करनी है तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैलिब्रेटेड मेजरिंग वेसल्स, इसमें आप वेसल्स में आपके बीकर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, फ्लास्क हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये सारे ब्यूरेट पिपेट फ्लास्क और कोई कंटेनर जिसमें आप सोल्यूशन बना रहे हो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और सेकेंड जो आपका सब्सटेंस जिसकी प्योरिटी नोन है, कंसेंट्रेशन और स्ट्रेंथ आपको पता है, वो आपका स्टैंडर्ड होगा। और थर्ड जो आपको चाहिए वो आपका एक विजुअल इंडिकेटर जिसके हेल्प से आप एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करोगे। और इसके अलावा अगर मैं फोर्थ रिक्वायरमेंट बताऊं तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंसेंट्रेशन अननोन है, मींस वो हमारा सैंपल है, वो चाहिएगा हमारी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है आपका इंडिकेटर वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जैसे अभी बताया आपको इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, तब हम इंडिकेटर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइट्रेशन के टाइप्स देखते हैं। टाइट्रेशन को हम क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट अप्रोच को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन में किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर हम टाइट्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन,
दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और चौथा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फर्दर एसिड बेस टाइट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। अब ये अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग हमारा अलग अलग बेसिस पे है। ये जो पहला क्लासिफिकेशन है वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट है या कहीं पर नहीं है। अगर वाटर का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको बोलते हैं एक्वस टाइट्रेशन। अगर वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई H2O नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस है आपका एसिडिमेट्री और एल्काइलीमेट्री के बेसिस पर। एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन अब तब कहते हैं जब आपका स्टैंडर्ड कोई एसिड हो। अगर मैं HCl को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं तब मैं उसको एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन बोलूंगा। एल्काइलीमेट्रिक जब हमारा स्टैंडर्ड कोई बेस हो तब मैं उसको एल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल NaOH को मैं एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। NaOH आपका एज अ स्टैंडर्ड यूज तब हो सकता है जब पहले आप उस पहले बार में आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हो और दूसरी टाइट्रेशन में उसको दोबारा यूज करो। पहली बार ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो NaOH है वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड के कैटेगरी में आता है और उसको आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर क्लासिफाइड है, उसके बेसिस पर हम कर रहे हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पर है। किसी एसिड या बेस को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के बेसिस पर किसी एसिड या बेस को स्ट्रॉन्ग या वीक बोलते हैं। अगर आपका एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, आयोनाइज या डिसोसिएट एक ही टर्म है, आपकी आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, वो चाहे एसिड हुआ चाहे बेस हुआ। अगर कंप्लीट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। अगर पार्शियली हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है तो उस केस में हम आपको वीक की कैटेगरी में एसिड या बेस को रखेंगे। तो पहला जो मेरा क्लासिफिकेशन है वो आपका एसिड और बेस के ऊपर है। इसमें जो पहली जो कैटेगरी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, जहां एग्जांपल आता है आपका HCl और NaOH का। दूसरी जो कैटेगरी है वो आपकी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में है। इसमें आपका एक्वस अमोनिया जो कि आपका एक वीक बेस है उसको टाइट्रेट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl के साथ। तीसरी कैटेगरी जो आपकी वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की है। वीक एसिड में आपका एग्जांपल आता है एसिटिक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल आता है NaOH का। नेक्स्ट कैटेगरी आपके जहां पर दोनों ही पार्ट आपके वीक हैं, जिसमें वीक एसिड जो आपका वो एसिटिक एसिड है और वीक बेस है वो आपका अमोनिया एक्वस अमोनिया है। तो डिपेंडिंग कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है उसके बेसिस पर लास्ट वाला क्लासिफिकेशन करा है। और मोस्टली आप लास्ट वाले क्लासिफिकेशन पर ही फोकस करोगे, जो आपका सेंटर वाला जो क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर फोकस करोगे। तो पहले ही जो कैटेगरी उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है आपके, लास्ट वाली कैटेगरी में दोनों वीक है और बाकी कैटेगरी में आपके बाकी दो बची हुई कैटेगरी में आपका एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पर एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बता दिए गए। अब ये जो एसिड बेस थ्योरी है और आप एक चीज और यहाँ पर नोट करोगे कि चारों ही कैटेगरी में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि जब एसिड और बेस जो आपके रिएक्ट कर रहे हैं, कोई एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर का फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन आपका चारों ही कैटेगरी में होगा, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा एसिड और बेस के साथ। अब यहाँ पर जो इंडिकेटर है एसिड बेस इंडिकेटर, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि अगर टाइप ऑफ टाइट्रेशन चेंज होती है तो इंडिकेटर का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो मैं स्पेसिफिकली एसिड बेस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात कर चुके हैं इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेटर एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा या तो विजुअल डिटेक्शन की हेल्प से या फिर कोई फिजिकल चेंजेस की हेल्प से आप दिखा सकता है। जैसे फिजिकल चेंज में आपका आता है जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। अब पहली जो थ्योरी वो है आपकी ऑसवर्ल्ड की थ्योरी। ऑसवर्ल्ड की थ्योरी कहती है कि जो आयोनाइजेशन है उसके ऊपर आपका एसिड बेस इंडिकेटर डिपेंड करता है। मतलब कोई ज्यादा आयोनाइज हो रहा है कोई कम आयोनाइज हो रहा है इंडिकेटर, उसके बेसिस पर आपका इंडिकेटर डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है। और जो जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि आयोनाइजेशन को एसिड बेस इंडिकेटर को ऑसवर्ल्ड ने वीक एसिड या वीक बेस की कैटेगरी में रखा था। अगर ये वीक एसिड या वीक बेस की कैटेगरी में, इट मींस इसका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बहुत कम एक्सटेंट में देखने को मिलता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय एसिड और बेस,
एसिड और बेस से अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक एसिड या वीक बेस है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इंडिकेटर अगर वीक एसिड की कैटेगरी में है तो उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होगा ऑब्वियसली। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट आप जानते हैं कि एक कोई भी आयन जो है हमारा H प्लस भी हो सकता है या OH माइनस आयन भी हो सकता है, कोई दो सब्सटेंसेस के बीच में कॉमन आ जाए तब हम उसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका जो आयनाइजेशन है वो बहुत लो है, वो आपका वीक एसिड की कैटेगरी में। अगर वीक बेस की कैटेगरी में कोई एसिड बेस इंडिकेटर है तो उस केस में OH माइनस आयन जो है वो आपका कॉमन आयन की तरह काम करेगा, अगेन इसका जो आयोनाइजेशन है वो बहुत कम होगा, लो आयोनाइजेशन होगा उस एल्कली का। एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, आपको फिनोप्थिलीन का एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं। इनिशियली जब आपका फिनोप्थिलीन जो है उस पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H प्लस आयंस अटैच है, हाइड्रोजन जो है वो अटैच है फिनोप्थिलीन के साथ, पीएच जो है वो फिनोप्थिलीन को डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ। अब इनिशियली जो एसिडिक कंडीशन में जब है तो उसका इनिशियल कलर है आपका कलरलेस। फर्दर जब ये क्या करेगा, जब जो इनिशियल, जब इसके अंदर OH माइनस का एडिशन अगर होता है तो ये H प्लस और OH माइनस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर H प्लस आयंस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये, और जो pH फिनोप्थिलीन है वो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जैसे जैसे आपका कंडीशन, जो आपका सॉल्यूशन का मीडियम एल्कलाइन की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपका कलर चेंज हो जाएगा और बेसिक में आपका जो फिनोप्थिलीन है वो पिंक कलर देगा। वेरी फर्स्ट क्लास में हम यही बात कर रहे थे कि फिनोप्थिलीन एसिडिक में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक कलर रहता है, यही आप कलर चेंज देखते हो। एक चीज और मैं आप बता दूं कि जो हम कलर चेंज, जो हम जस्ट आफ्टर कलर चेंज की जो रीडिंग है, जस्ट आफ्टर कलर चेंज की जो रीडिंग है वो हम ऑब्जर्व करते हैं इस पूरी टाइट्रेशन के दौरान, तो जो लाइट पिंक कलर होता है वही हमारा कलर एक्चुअल में जो देखा जाता है, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो आपकी टाउटोमर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, इसका जो नाम है वो है आपका क्यूनॉइड थ्योरी। क्यूनॉइड थ्योरी क्या कह रही है, क्यूनॉइड थ्योरी कहते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो दो टाउटोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उस, और जो दो टाउटोमर्स की फॉर्म है वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है, जितने आपकी एक फॉर्म है उतनी ही आपकी दूसरी फॉर्म है, दोनों आपकी इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगी। तीसरी बात इसने कही कि एक फॉर्म को तो हम नाम दे रहे हैं बेंजेनॉइड और दूसरे को नाम दे रहे हैं हम क्यूनॉइड। अब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो बेंजेनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्यूनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है एक इंडिकेटर। और जैसे जैसे आपके मीडियम का पीएच चेंज होता है, पीएच मींस एच प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन में वेरिएशन आता है, वैसे वैसे आपके टाउटोमर्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाकर चेंज हो जाते हैं। वो बेंजेनॉइड से क्यूनॉइड में भी हो सकता है और क्यूनॉइड से बेंजेनॉइड में भी हो सकता है। और ये जो आपका रिएक्शन है, और ये आप पिछला रिएक्शन भी और ये भी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, मींस आपका जो एक फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है दोनों डायरेक्शन में। जैसे जैसे आपका पीएच कन्वर्ट होगा, पीएच कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे एक टाउटोमर फॉर्म दूसरे टाउटोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और कलर चेंज आएगा। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ विद एनी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अगेन फिनोप्थिलीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। और ये इस जो ये अब जो एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो क्यूनॉइड थ्योरी के बेसिस पर, क्यूनॉइड थ्योरी के बेसिस पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका कलरलेस है और मीडियम आपका एसिडिक। अभी जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। और दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो कब आ रहा है, इनिशियली जब एसिडिक मीडियम है मेरे पास और OH माइनस आयन ऊपर से NaOH से आ रहे बेसिकली, क्योंकि अगर ये एसिडिक है मींस एसिडिक किसकी वजह से, मैं वही एग्जांपल लेता हूं आपको, ऑक्सैलिक एसिड जो पहली क्लास में लिया था, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का, अगर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर मैं फिनोप्थिलीन ऐड कर रहा हूं मींस आपका मीडियम एसिडिक है, इनिशियल कलर विल बी योर कलरलेस, ठीक है, बेंजेनॉइड फॉर्म। जैसे जैसे ऊपर से OH माइनस आयन आएगा, ब्यूरेट में से OH माइनस आयन आएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा दूसरे फॉर्म में जो कि आपकी है क्यूनॉइड फॉर्म। क्यूनॉइड फॉर्म जो है वो बेसिक मीडियम में देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर पीएच में चेंज आया है और आपका कलर जो होगा वो बेसिक में लाइट पिंक कलर हो गया। ये दूसरी थ्योरी है जो क्यूनॉइड थ्योरी
जो फिनोफ्थलीन के कलर चेंज को बता रही है कि कैसे फिनोफ्थलीन का कलर एसिडिक में कलरलेस टू बेसिक में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इसी का ही है, ऊपर हेडिंग गलत लिख दी है, ये वही है आपका मिथाइल ऑरेंज जो मेरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल फिनोफ्थलीन की बात करी, दूसरा एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज जब आपका क्यूनाइड फॉर्म में होता है, क्यूनाइड फॉर्म में रेड कलर देता है, और जब बेंजोनाइड फॉर्म में जाएगा तब येलो कलर देगा। पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्यूनाइड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, और क्यूनाइड फॉर्म आपके एसिडिक में, मिथाइल ऑरेंज का इनिशियल कलर एसिडिक में रेड रहता है, और जब इसमें H प्लस आयंस कंसेंट्रेशन ऐड होता है, जब ये बेसिक की तरफ एल्कलाइन की तरफ जाता है, और बेसिक में आपकी फॉर्म देखने को मिलेगी वो होगी आपकी बेंजोनॉइड फॉर्म, और बेंजोनॉइड फॉर्म में इसका कलर जो है वो येल्लो है। एक स्टार पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इंडिकेटर में कलर चेंज इंटरवल है वो 2 pH यूनिट तक सीमित रहता है। अगर मान लो मेरा इनिशियल कलर पीएच 4 पे है, कोई भी एक फॉर्म समझ लो, क्यूनाइड फॉर्म अगर मेरी 4 pH पे है तो अप्रोक्सीमेटली 6 pH पर मुझे बेंजोनॉइड फॉर्म देखने को मिलेगी। क्यूनाइड फॉर्म अगर 4 pH पर है तो 6 pH पर बेंजोनॉइड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो जो कलर चेंज इंटरवल है वो 2 pH यूनिट तक सीमित रहता है। इस इंटरवल को हम ट्रांजिशन इंटरवल के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन इंटरवल। और ये आपकी एक इक्वेशन आती है पीएच इज इक्वल टू पी के आई एन, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या डिग्री ऑफ चेंज आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है प्लस माइनस 1। तो ये आपकी माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक, प्लस 1 तक आपका जो चेंज आ रहा है वो आपका 2 pH यूनिट को डिफाइन कर रहा है। यहां तक डाउट कोई? ठीक है। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड इंडिकेटर है। अब अगर कई बार मुझे क्या देखने को मिलता है, जो मेरा कलर चेंज है वो 2 pH यूनिट से ज्यादा में आ रहा है, मींस इनिशियल जो मेरी पहली फॉर्म है और दूसरी फॉर्म है वो अलग अलग पीएच में, दो से जो रेंज है इसकी वो 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2। उस केस में मैं क्या करता हूँ, मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज करता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, मिक्स इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर जो मिक्सड होंगे। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर जो लेकर चल रहा हूँ वो आपका जो है साइनिलॉल FF टू मिथाइल ऑरेंज, ये आपका एक एग्जांपल है। इसका जो नाम है वो स्क्रीनड इंडिकेटर या स्क्रीनड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये इसका नाम है जो बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक मिक्स इंडिकेटर का एग्जांपल है जिसमें 1 gram मिथाइल ऑरेंज, 1.4 gram जाइलिनॉल साइनोल FF इन 500 ml ऑफ 50% इथेनॉल इसके अंदर ऐड किया जाता है, आपके मिथाइल ऑरेंज और ज़ाइलिन साइनॉल की कंसेंट्रेशन, इतनी कंसेंट्रेशन। जब आपका जो मीडियम है एल्कलाइन है, बेसिक जब मीडियम है, तब आपका इनिशियल कलर आ जाएगा ग्रीन। अब इसका एक सेंट्रल जो अब तक आप नहीं देख रहे होंगे, बाकी इंडिकेटर्स में 2 ही कलर आ रहे थे आपके, इनिशियल और फाइनल। जैसे फिनोफ्थलीन की अगर मैं बात करूं, इनिशियल आपका कलरलेस था और फाइनल आपका पिंक कलर था, लाइट पिंक कलर। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे एल्कलाइन के केस में बात करूं, एल्कलाइन जो है वो आपका एल्कलाइन में इनिशियल कलर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का ग्रीन, और इंटरमीडिएट कलर आपका जो है वो 3.8 पर ग्रे, एंड एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर है वो पिंक हो गया। ये 3 इंटरवल मेरे को मिल जाते हैं जो अभी तक मैं 2 pH यूनिट तक सीमित था, वो 2 से ज्यादा pH यूनिट तक मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं मिक्स्ड इंडिकेटर की हेल्प से। एक और आपकी कैटेगरी है जिसका नाम है यूनिवर्सल या मल्टीपल रेंज इंडिकेटर। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस इंडिकेटर को टाइट्रेशन में यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो इतने रिलायबल नहीं है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसको हम यूज नहीं करते। तो यूज क्या है इसका, इसका यूज है हम किसी अननोन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के पीएच को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस, मींस कलर ऑब्जर्वेशन से विजुअली डिटेक्ट करके। वैसे तो हम यहाँ पर पीएच पेपर यूज कर सकते हैं या पीएच मीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विजुअल डिटेक्शन से एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि मेरे सॉल्यूशन का पीएच कितना है, तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल या मल्टीपल रेंज इंडिकेटर का यूज कर सकता हूँ। एक एग्जांपल है जहां पर डिफरेंट मिक्सचर बनाया गया इंडिकेटर का अलग अलग कंसेंट्रेशन के साथ, 0.1 gram फिनोफ्थलीन, 0.2 gram मिथाइल ऑरेंज, 0.3 gram मिथाइल येलो,
0.4 ग्राम ब्रोमोथाइमोल ब्लू, 0.5 ग्राम थाइमोल ब्लू, इन सब को 500 ml ऑफ अल्कोहल के अंदर ऐड करोगे और NaOH ऐड करोगे जब तक आपका येलो कलर नहीं आ जाएगा। इट मींस जो इनिशियल कलर मेरे इंडिकेटर का होगा वो होगा येलो। अब इस इंडिकेटर को अगर मान लो किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच नहीं पता है मुझे, इसके अंदर जब ऐड करूंगा इसमें से जो भी कलर आ जाएगा वही मेरे सॉल्यूशन का पीएच है। फॉर एग्जांपल रेड आ गया सॉल्यूशन का कलर, इंडिकेटर डालने के बाद येलो से रेड में चेंज हो गया, तब मेरा जो सॉल्यूशन का पीएच है वो 2 है। अगर ऑरेंज हो जाता है तब वो कलर हो जाता है, पीएच है वो 4 है। अगर यही आपका येलो है इट मींस वो इनिशियल स्टेट पर है, पीएच आपका 6। अगर ग्रीन हो जाता है तो पीएच आपका 8, और अगर ब्लू हो जाता है तो पीएच आपका 10। तो इससे मैं एक बेसिक आइडिया आइडिया लगा सकता हूं कि मेरे अननोन सॉल्यूशन का पीएच कितना है बाय कैलोरीमेट्रिक एंड विजुअल कलर चेंजेस। यहाँ पर मुझे किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी पीएच पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस मुझे यूनिवर्सल और मल्टीपल रेंज इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है। ये कुछ और एग्जांपल्स है आपके इंडिकेटर्स के, और उसके रिस्पेक्टिव कलर चेंज दिखा रखे, पीएच रेंज दिखा रखे, किसमें काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज है मेरे पास 4 to 6, 4 आपका इनिशियल मींस एसिडिक है और 6 आपका स्लाइटली टुवर्ड्स अल्कलाइन, वैसे 7.5 7 से ऊपर जब जाता है, 7 पर आपका न्यूट्रल और 7 पर से ऊपर अगर जा रहा है तब आपका अल्कलाइन की रेंज में आता है। बट इसमें जो मिथाइल ऑरेंज में कलर चेंज देखने को मिला है, इनिशियल कलर 4 पीएच पर है और फाइनल कलर 6 पीएच पर है। तो इनिशियल कलर मेरा ऑरेंज और फाइनल कलर है येलो। अगर ऑरेंज टू येलो हो गया मेरा जो सैंपल है, इनिशियल कलर ऑरेंज टू येलो हो गया, इट मींस येलो वाली कंडीशन में वी केम टू द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। ब्रोमोथाइमोल ब्रोमोफिनोल ब्लू, इनिशियल पीएच है वो 6 पर आपका येलो रहेगा, फाइनल 7 पर आपका ब्लू होगा। यहाँ पर एक ही इंटरवल का आपको गैप मिल रहा है, यहाँ पर 2 इंटरवल का गैप था, ट्रांजिशन इंटरवल जो भी बात कर रहा था। ऐसे थाइमोल ब्लू 8 पीएच के ऊपर आपका येलो एंड 9 पीएच पर आपका ब्लू कलर देगा। फिनोफ्थलीन 9 पीएच पर कलरलेस, अगर इसमें को मैं और एक्यूरेट कहूं जो आपका कलर होना चाहिए, यहाँ पर जो इनिशियल होना चाहिए वो एसिडिक की साइड होना चाहिए 4 के अप्रोक्स, तभी आपका ये कलरलेस रहेगा और फाइनल जो होगा वो पिंक कलर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 टू 11 पर आपका इनिशियल कलर येलो एंड फाइनल कलर आपका रेड होगा, रेड कलर होगा फाइनल। ये कुछ और इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं, और हम डिपेंडिंग किस टाइप की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम इंडिकेटर्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी इंडिकेटर को चूज करते हैं, और इसके साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक आई टोल्ड यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 4 जो कैटेगरी है इसको हम डीप में स्टडी करेंगे। और साथ में न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अब बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन कर्व के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप करेंगे।